सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए और आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को। अपना ध्यान अपने अपनी स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम आज फिर से डायमेंशनल एनालिसिस के, और ये लास्ट पार्ट रहेगा इसका। यहाँ पर हम जिन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चंस भी कई बार जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस के पीछे एक सिंपल सा सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत को पहले समझते हैं और फिर उस सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चंस को करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इसलिए आज इसको थोड़ा सा रिपीट करके और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो थोड़ा जल्दी समझेंगे और क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, चाहे वो आपके होम एग्जाम्स हो, आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ एक दो बातें बोलता है और उसके ऊपर हमारे क्वेश्चन हमको करने होते हैं, ठीक है। ये बोला है कि जितनी किसी समीकरण में, किसी इक्वेशन में जितने भी पद हैं सबकी विमाएं आइडेंटिकल होनी चाहिए। क्या बोला है? जितने भी पद होते हैं, जितने भी टर्म्स होते हैं किसी इक्वेशन में, उसमें सभी की विमाएं जो है, सभी पदों की विमाएं जो है वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। मतलब कि इसका जो हमको जिस तरीके से समझना है, जो हमको यूज करना है, वो ये है कि जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलर मतलब समान फिजिकल क्वांटिटी, समान कैसे कह रहे हैं हम, डायमेंशनल जिनकी समान हो, विमाएं जिनकी समान हो, वैसा समान कह रहे हैं हम। तो समान फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपको बात बोली थी, दो टर्म्स को जोड़ रहे हैं तो मतलब उनकी जो विमा है वो समान है, सीधी बात ये है, ठीक है। अगर एक इक्वेशन में, एक अभिक्रिया में चार पद हैं, तो चारों पदों की जो विमाएं होंगी वो समान होंगी। ये बात बोलता है हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इतनी सी बात समझनी है हमको बस इस प्रिंसिपल से। और अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, चलिए जरा इसको देखते हैं। इस पर बेस्ड, इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। तो देखो, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी। इसमें हमको बता रखा है जो v है, v का मतलब वेग है, वेग की विमा क्या होती है भाई, एल टी माइनस वन, ध्यान रखेंगे विमाएं सबकी याद रखनी है। और t क्या है भाई, इसमें t है समय यानी टाइम, तो t के डायमेंशन होती है t, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको पता लगाना है अल्फा और बीटा के डायमेंशन, अल्फा के डायमेंशन और बीटा की डायमेंशन हमको पता लगानी, विमा मतलब है ना, डायमेंशन मतलब विमा। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्यूशन में देखते हैं हमको क्या क्या बातें जो है यहाँ पर ध्यान में रखनी है, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में मैंने आपको जो बात ऊपर बताई बस वही हम अप्लाई करेंगे। ऊपर क्या बात बताई, ऊपर ये बात बताई कि किसी इक्वेशन में अगर हमको जितने भी पद देखने को मिल रहे हैं उनमें से सबकी जो विमाएं हैं वो एक समान होती है, उनमें से सबकी विमाएं क्या होती हैं, एक समान होती हैं। तो समीकरण हमारे पास ये रही, v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा टी। क्या मैं इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकता हूं, v माइनस अल्फा माइनस बीटा टी इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाए, राइट हैंड साइड को जीरो बना दिया, समझ रहे हो बात को। तो कितने पद देखने को मिल रहे हैं, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है भाई, दो पद और तीन पद हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे तो आप ऐसे लिख करके समझो,
पर इस स्टेप की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ये लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा टी में कितने पद हैं, 3 पद हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं लिखूंगा। कौन कौन से, v है, एल्फा है और bt है, 3 पद, बीटा टी है ना, ये 3 पद इस समीकरण में मुझे देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या बोला, अभी हमने पढ़ा था कौन सा सिद्धांत भाई, समघातता का सिद्धांत, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि v की विमा बराबर अल्फा की विमा बराबर बीटा इंटू टी की विमा, ये कह सकते हैं हम। इन तीनों की विमाएं क्या होंगी, समान होंगी, क्योंकि हमने अभी ये बात पढ़ी थी सबसे पहले सिद्धांत में। तो भाई अल्फा की अगर विमा बतानी है हमें, तो अल्फा की विमा किसकी विमा के बराबर होगी, जो वी की विमा होगी। और अगर बीटा की विमा बतानी है, तो बीटा के साथ, बीटा अकेला तो नहीं है, बीटा टी की विमा जो है किसके बराबर होगी, वी की विमा के बराबर होगी। अगर सिर्फ बीटा की बात करें तो ये टी यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा वी के, तो वी अपॉन टी की जो विमा होगी वो बीटा की विमा होगी। समझ में आ गई बात, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अल्फा की तो विमा वही हो जाएगी जो वी की विमा है, यानी वी की विमा है एल टी माइनस वन, तो अल्फा की विमा आ गई एल टी माइनस वन। बीटा की विमा के लिए क्या करना है भाई, बीटा की विमा के लिए वी की विमा क्या है, एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो टी की विमा क्या होती है भाई, कैपिटल टी, ठीक है, ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, है ना, और टी कितना आ जाएगा फाइनली, बीटा इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो हमें अल्फा और बीटा दोनों की विमा पता लग चुकी है, लास्ट में हम लोग अपना आंसर जो है कंक्लूड कर सकते हैं, अल्फा की विमा बराबर एल टी माइनस वन, बीटा की विमा बराबर एल टी माइनस वन। आप ये भी कह सकते हैं अल्फा की विमा वही है जो वेग की विमा है, और बीटा की विमा वही है जो त्वरण की विमा है। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और बस एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और विमाएं आपको याद इसके लिए होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर और अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, हमें समीकरण दी हुई है क्वेश्चन में, वो है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ए प्लस बी टी, सॉरी हाँ, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन E प्लस टी, ये इक्वेशन लिखी हुई है भाई, और इस इक्वेशन में बता रखा है जहां x का मतलब तो विस्थापन है, विस्थापन कह लो, दूरी कह लो, कुछ भी कह लो, लंबाई कह लो, ठीक है, जिसकी विमा क्या होती है, L होती है भाई, और T का मतलब है समय, जिसकी विमा क्या होती है भाई, कैपिटल टी होती है। बस अब क्वेश्चन को स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए सबसे पहली चीज जो हम क्वेश्चन में फाइंड आउट कर, जो क्वेश्चन में हम देखेंगे वो है कि इस जो इक्वेशन है इसमें कितने पद हैं, इस इक्वेशन में कितने पद हैं, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, पांचवा पद ये पूरा, ठीक है, और इसके अंदर भी मुझे दो छोटे छोटे पद दिख रहे हैं, एक और दो, ठीक है, तो टोटल पांच पद हैं। अब सबसे पहले जो है हम लिखेंगे ए बी सी डी ई की डायमेंशन हमको निकालनी है, ए की डायमेंशन क्या होगी, बी की डायमेंशन क्या होगी, सी की डायमेंशन क्या होगी, डी की डायमेंशन क्या होगी और ई की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन मतलब विमा, ठीक है, विमाएं निकालनी है हमको, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए इनकी डायमेंशन यानी इनकी विमाएं हम बताते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से।
ठीक है, तो अब हम लिखेंगे नहीं जो चीज़ें पिछले क्वेश्चन में लिखी थी उनको, हम अब बार बार ज़्यादा जो डिटेल्ड लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं करेंगे, अब हम बस जो सॉल्यूशन निकालने पर हमारा फोकस अब रहेगा। चलिए, तो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे भाई? सबसे पहले देखो, जो एक्स की बीमा होगी वही ए की बीमा होगी, क्योंकि ये दो अलग पद है, वही बी टी की बीमा होगी, वही सी टी स्क्वायर की बीमा होगी, वही वही डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी की बीमा होगी, है ना? जो ए की बीमा एक्स की बीमा होगी वही ए की बीमा होगी, वही बी टी की बीमा होगी, वही सी टी स्क्वायर की बीमा होगी, है ना? और डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी की भी वही बीमा होगी। अब इस ई प्लस टी में से आप दोनों में से किसी एक राशि को उठा सकते हैं, क्योंकि आपने बोला समान राशियों को ही साथ में जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हो डी टी क्यूब अपॉन डी टी की जो बीमा होगी, ई या टी में से कुछ भी लिख लो यहाँ पे, है ना, वो एक्स की बीमा के बराबर हो। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। ई की बीमा के लिए क्या करेंगे? ई की बीमा के लिए सिंपली आप देखो, ई और टी आपस में जोड़े गए हैं, तो हमने क्या बोला, समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सिंस जो ई की डायमेंशन है वो वही होगी जो कि टी की डायमेंशन होती है, और टी की डायमेंशन क्या होती है भाई, लिखी हुई है ऊपर, टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो ई की बीमा आपको पता लग गई, ई की बीमा हमें पता लग गई सबसे पहले, दैट इज कैपिटल टी। ठीक है, ई की जो बीमा है वो है कैपिटल टी। नेक्स्ट ए बी सी के ऊपर बात करते हैं। ए बी और सी के ऊपर बात करते हैं, ए बी सी और डी के ऊपर बात करते हैं। चलिए, तो ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए की बीमा वही है जो एक्स की बीमा है, मतलब ए की जो बीमा है वो एक्स की बीमा है, और एक्स की बीमा क्या है भाई, एल है। हमने ऊपर देखा है ना, एक्स की बीमा क्या है, एल है। ए की बीमा ही पता लग गई। बी की बीमा क्या होगी? बी की बीमा वही होगी, सॉरी बी टी की बीमा वही होगी जो एक्स की बीमा होगी। यहां पर देखो रिलेशन क्या मिल के आ रहा है, बी टी की बीमा जो एक्स की बीमा होगी, है ना? तो बी की बीमा क्या होगी, बी की डायमेंशन क्या होगी? तो एक्स अपॉन टी की जो डायमेंशन होगी वही बी की बीमा होगी। एक्स की डायमेंशन क्या है भाई, एक्स की डायमेंशन एल है, एल अपॉन टी आएगा, तो जिसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन आ जाएगा। ये हो गई हमारी बी की डायमेंशन। ठीक है, अब सी के डायमेंशन पे चलते हैं। नेक्स्ट विल गो टू सी के डायमेंशन। तो सी के डायमेंशन के लिए देखो, सी एस टी स्क्वायर की डायमेंशन वही है जो एक्स की डायमेंशन है, तो सी की जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स अपॉन टी स्क्वायर की बीमा। ठीक है, एक्स अपॉन टी स्क्वायर की बीमा हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसे, एक्स की बीमा एल, टी स्क्वायर की बीमा टी स्क्वायर, तो क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आ रहा है एल टी माइनस टू, ये स्क्वायर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा भाई, माइनस का टू हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डी की बीमा, डायमेंशन ऑफ डी। तो डी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाला टर्म यूज कर लीजिए, ये वाला पूरा टर्म जो है एक्स के इक्वल है, तो आप क्या लिखेंगे, डी टी क्यूब अपॉन टी की बीमा जो है वो एक्स के इक्वल है। ये टी क्यूब से ये कट जाएगा एक बार में, तो यहां से क्या आएगा, डी टी स्क्वायर की बीमा वो होगी एक्स की बीमा के बराबर, तो डी की बीमा जो होगी वो होगी एक्स अपॉन टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां से जो डी की बीमा निकल के आ रही है वो आ रही है एल टी माइनस। तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी और ई की बीमाएं निकाल ली। इस तरीके से हमने ए बी सी डी और ई की बीमाएं निकाल ली है। ए की डायमेंशन जो आई है वो आई है एल, बी की डायमेंशन जो आई है वो आई है एल टी माइनस वन, सी की डायमेंशन आई है एल टी माइनस टू, डी की डायमेंशन आई है, डी की डायमेंशन में भी आई है एल टी माइनस टू, और ई की डायमेंशन आई है टी। समझ रहे हैं बात को?
तो इस तरीके से आप लोग जो है, मैं क्वेश्चन आंसर्स को हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको इजी हो जाए ढूंढने में। ए की डायमेंशन ये रही, बी की डायमेंशन ये रही, सी की डायमेंशन ये रही, डी की डायमेंशन ये रही, डी की डायमेंशन ये रही और ई की डायमेंशन ये रही। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन करके एक बार चेक खुद से कर सकते हैं। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? जिस जिसने अच्छे से समझा होगा वो बाकी क्वेश्चंस जो है सारे से कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल अब मुझे लगता नहीं है कि आपको इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए जरा एक क्वेश्चन और लिखिए। T इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ये आपको इक्वेशन दी है, जहां P का मतलब प्रेशर यानी कि दाब है। P का मतलब क्या है? दाब है ना, और दाब की जो विमा होती है वो होती है F अपॉन A की विमा, है ना। दाब की विमा हम जानते हैं, दैट इज F अपॉन A की विमा। तो ये आता है आपका निकल के M L माइनस वन टी माइनस टू। इसके अलावा हमें दे रखा है T जो है वो समय है, टाइम है, और इसकी विमा तो हम सभी जानते हैं कैपिटल टी होती है। एक्स बताया हुआ है हमें कि एक्स क्या है, दूरी है या डिस्टेंस है ना, और इसकी जो डायमेंशन है वो एल है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें पूछा हुआ है, ओके क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं यहां पर पूरा, हमें जो पूछा हुआ था कि आप इसमें ए अपॉन बी की जो विमा है वो बताइए, ए बटे बी की विमा हमको बतानी, ए की विमा बटे बी की विमा क्या है। तो उसके लिए ए और बी की विमा हमको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो हम यहाँ देख रहे हैं ए जो है वो टी स्क्वायर के साथ घटाया हुआ है। जब घटाया हुआ है तो इसका क्या मतलब है? अगर घटा रखा है तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसे इसलिए घटा रखा है क्योंकि जो ए की विमा है वो टी स्क्वायर की विमा है। सीधी बात, हमें जो इससे मतलब समझ में आया, तो टी की विमा क्या होती है कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी? कैपिटल टी स्क्वायर। ए की विमा पता लग गई, ठीक है। अब यहां से बी की विमा पता लगानी, तो बी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में कोई सा भी फंक्शन नहीं है, इसको जरा ध्यान से समझना। तो जो पी की विमा होगी वो होगी ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स की विमा, या फिर मैं इसको और अच्छे तरीके से अगर लिख लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a अपॉन बी एक्स की विमा माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स की विमा। अब कितने पद हो गए भाई इसमें? तीन पद हो गए, तो तीनों पदों की विमाएं सेम होंगी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, तो इसकी विमा आप इसके बराबर रख लीजिए, या फिर इसकी विमा आप इसके बराबर रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं यहां से। P की विमा बराबर T स्क्वायर अपॉन बी एक्स की विमा, तो यहां से जो B की विमा निकल के आएगी वो आएगी T स्क्वायर अपॉन पी एक्स की विमा। चलिए इन सब की विमा रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। T की विमा होती है T, तो T स्क्वायर की हो जाएगी T स्क्वायर। P की विमा मैंने आपको बताई है क्या होती है, M L माइनस वन टी माइनस टू, और साथ में x भी लिखा हुआ है, तो x की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी L। ठीक है, सबकी विमा लिख दी, अब कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेशन में क्या करेंगे देखो जरा ध्यान से, b की जो विमा है डायमेंशन ऑफ b, यहां से m ऊपर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, l ऊपर आएगा तो ये प्लस का वन हो जाएगा। देखो ए l माइनस का वन है प्लस का वन है, तो ये जीरो हो जाएगा नीचे ही, तो नीचे में जो l है उनको तो कंसिडर हम नहीं करते हैं क्योंकि ये माइनस वन है और ये एल प्लस वन है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो अपॉन में एल बचा नहीं, अपॉन में बचा टी माइनस टू, तो ऊपर आके प्लस टू हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी एक टी स्क्वायर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे भाई। तो ये फाइनल हमारे पास समीकरण आ रही है और इसको मैं लिख सकता हूं बी की जो डायमेंशन होगी वो होगी एम माइनस वन टी फोर, एम माइनस वन टी फोर। हमको क्या चाहिए था क्वेश्चन में, क्या हमारा आंसर आया? नहीं, हमें चाहिए था a बटे b की विमा। तो a बटे b की विमा निकाल लेते हैं भाई। a कितना था हमारे पास, a आया था हमारे पास t स्क्वायर, तो t स्क्वायर अपॉन
डी की बीमा क्या आई थी भाई, एम माइनस वन टी फोर। इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, ये नीचे वाला जो भी मैटर है ऊपर जाएगा तो एम प्लस वन हो जाएगा और टी माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आप एक्सचेंज करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर्स बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, उनका साइन चेंज हो जाता है, बस इतना सा काम होता है। तो ये फाइनली जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा एम टी माइनस चार और प्लस दो कितना होता है भाई, माइनस कर दो, एम टी माइनस टू आएगा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी एम टी माइनस टू। नोट दिस डाउन, ये हमारा क्या है, ये फाइनल आंसर है एम टी माइनस टू। तो ए बटे बी की जो बीमा आएगी वो आएगी एम टी माइनस टू। नोट डाउन कर लीजिए इसे, ये दो तीन क्वेश्चन जो हमने करे हैं इनसे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस जो है, कुछ और पैटर्न के क्वेश्चंस करते हैं, इससे जो आते हैं एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, इतने से आपको समझ में आ गया होगा आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इतने से आपको समझ में आ गया होगा। आप जो है यहाँ पर एक चीज का और पता लगा सकते हैं, यहाँ पर आप करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस यानी कि करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक कर सकते हैं, मतलब कि विमीय विश्लेषण में हमने जो दो तीन चीजें सीखी हैं उनमें से एक ये भी है कि आप सत्यता की जांच कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इसको भी हम क्वेश्चन से समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन आया कि बताइए ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर ये सही है या नहीं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए। बहुत आसान है, जो हमने अभी तक सीखा बस वही चीज अप्लाई करनी है, जहां जहां आपको बताया रहेगा कि वी जो है वो अंतिम वेग है यानी फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है वो प्रारंभिक वेग है। इस इक्वेशन को तो सभी जानते होंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इक्वेशन कई बार देखी है और तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अंतिम वेग है वी, यू है प्रारंभिक वेग, ए जो है वो त्वरण है एक्सेलरेशन, और एस जो है वो विस्थापन दूरी डिस्प्लेसमेंट, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। हमें इनसे नहीं मतलब, इनसे हम इनका नाम लिख करके हमें क्या पता चला, इनकी बीमाएं, तो वेग की बीमा क्या होती है भाई, एल टी माइनस वन होती है। ये भी वेग है तो इसकी बीमा भी एल टी माइनस वन होगी, प्रारंभिक और अंतिम से फर्क नहीं पड़ता। त्वरण एल टी माइनस टू होती है त्वरण की बीमा, और विस्थापन की बीमा होती है एल। ठीक है, अब हमको क्या करना भाई, सत्यता की जांच। तो हेडिंग डालिए भाई बड़े बड़े अक्षरों में, हम करने वाले हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए हम चेक कर रहे हैं करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। देखिए भाई, सत्यता की जांच में कुछ हमको नया काम नहीं करना है, हमको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या बोला था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बोला था कोई एक समीकरण है उसमें जितने भी पद हैं सबकी बीमाएं समान होंगी। तो इसमें एक दो और तीन पद हैं तो तीनों की बीमाएं समान होंगी। यहाँ मतलब हमको क्या पता लग रहा है कि जो वी स्क्वायर की बीमा होगी वही यू स्क्वायर की बीमा होनी चाहिए, और वही वही टू तो लिखेंगे नहीं क्योंकि टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, तो ए और एस की बीमा भी वही होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को, टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टू कांस्टेंट है, टू नियतांक है, नियतांक के हम लोग बीमा नहीं लिखते हैं, होते हैं कुछ विमीय नियतांक भी होते हैं लेकिन जब उनको पढ़ेंगे तो वहां पर बात कर लेंगे। जो संख्याएं होती है एक दो तीन चार, इनके तो नियतांक होते ही नहीं है, इनको लिखना ही नहीं। ठीक है, चेक करते टाइम, तो चलो भाई चेक कर लेते हैं क्या इनकी बीमाएं बराबर आ रही है नहीं आ रही है। तो वी स्क्वायर की, यू स्क्वायर की और ए एस की बीमा चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं वी स्क्वायर की डायमेंशन चेक कर रहा हूं, यहां पर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं वी स्क्वायर की डायमेंशन। तो वी स्क्वायर की डायमेंशन वी का स्क्वायर कर देंगे, वी की डायमेंशन कितनी है भाई, एल टी माइनस वन, तो उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और टी माइनस टू। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं यू स्क्वायर के डायमेंशन, तो यू स्क्वायर के डायमेंशन क्या है भाई, एल टी माइनस वन है यू की डायमेंशन, तो इसका स्क्वायर कर दो,
तो एल स्क्वायर टी स्क्वायर टी माइनस टू है ना, ये दोनों तो सेम आ रहे हैं। थर्ड चेक करो ए इंटू एस के डायमेंशन, थर्ड चेक करो ए इंटू एस के डायमेंशन। तो ए के डायमेंशन क्या है भाई, एल टी माइनस टू है ना, और एस के डायमेंशन क्या है भाई, एल विस्थापन। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। तो आप बोलेंगे, आप देखने को आपको मिल रहा होगा जो कि जो वी स्क्वायर की विमा है वही यू स्क्वायर की विमा है, वही ए एस की विमा है, और वही एल स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, यही तो निकल गया सबके डायमेंशन। अतः दी गई समीकरण किस रूप से भाई, विमीय रूप से सत्य है। मैंने आपको इसकी लिमिटेशंस बताई थी कि जरूरी नहीं है जो यहां पर आपकी सत्य आ रही वो सही इक्वेशन है आपके, नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट आप उसे बोल सकते हैं, वो पूरी तरीके से करेक्ट है नहीं है ये नहीं बोल सकते, समझ रहे हो। तो विमीय रूप से सही है, आप ये कहेंगे विमीय रूप से सही है, अतः सत्यता की जांच होती है। अगर आपने ये लाइन लिख दी तो मजा आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो भी कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, अब ये असल में सही है नहीं है तो वो क्या पता, क्योंकि आप जानते हो ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो आपने पढ़ी है ना, टेंथ क्लास में कितनी बार पढ़ी है ना, इलेवेंथ में भी आपने जो गति काइनेमेटिक्स होगा उसमें बहुत बार पढ़ी होगी है ना, ये आप जानते हो करेक्ट है। बट अगर ये सोचो यहां पर टू नहीं होता, यहां पर टू नहीं होता तो भी तो ये इक्वेशन करेक्ट ही आती, लेकिन क्या आप जानते हैं इक्वेशन करेक्ट है नहीं है, इसमें टू होना चाहिए। अगर मैं यहां पर टू लिख देता तो भी इसने करेक्ट आना था, लेकिन आप जानते हैं टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोला, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन अलग बात है और एब्सोल्यूटली करेक्ट इक्वेशन अलग बात है। तो ये एब्सोल्यूटली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। आ गया होगा समझ में, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका और फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं। चलिए, H इज इक्वल टू आर रो जी अपॉन टू एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को आपने पढ़ा होगा सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी हमको इस फॉर्मूला से कोई खास मतलब नहीं है, हमको चेक करना है सही है नहीं, ठीक है। तो इसमें हमको जो बता रखा है प्रतीकों के जो अर्थ है वो दे रखे हैं कि यहाँ पर H का मतलब जो है, H का मतलब है हाइट यानी कि ऊंचाई, R का मतलब है रेडियस यानी कि त्रिज्या, रो का मतलब है घनत्व यानी कि डेंसिटी, ठीक है, G का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। और क्या बचा, S की जो विमा है, S है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, ठीक है। और कॉस थीटा, फिर से बता रहा हूँ, हमने जब लिमिटेशंस पढ़ी थी तो कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डायमेंशन नहीं होती, उनको आपको यहाँ पर शो नहीं करना, ठीक है। सबकी विमाएं भी लिख लेते हैं क्योंकि हमको इनसे थोड़ा ना काम है, इनकी विमाओं से काम है। हाइट की डायमेंशन एल होती है, रेडियस की डायमेंशन एल होती है, ठीक है। डेंसिटी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन यानी कि एम एल माइनस थ्री, इसकी डायमेंशन होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वही डायमेंशन होगी जो एक्सेलरेशन की होती है, एल टी माइनस टू। और सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होगी वो होगी फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, तो यहां से निकल के आएगी एम टी माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सबके डायमेंशन जो है याद रखनी है, अगर डायमेंशन याद नहीं है तो डायमेंशन निकालते किस तरीके से है वो याद रख लो भाई, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी करते हैं शुरू, हमें क्या बोला चेक करो, चलिए चेक करते हैं इसको, ये सही है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे भाई, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कितने पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, मतलब दोनों की विमाएं जो है समान आनी चाहिए, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो एच की विमा होगी वही
आर रू जी अपॉन टू एस कॉस थीटा की बीमा होगी। अब आप जानते हैं कॉस थीटा की बीमा हम लोग लिखते नहीं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि डायमेंशन नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो 2s ये अपॉन r rho g अपॉन 2s की जो बीमा होगी, और 2 को भी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, इसकी बीमा भी नहीं होती, तो h की वही बीमा होगी जो कि r rho g अपॉन s की बीमा होगी। चलिए तो चेक करते हैं h की बीमा क्या है भाई, l, इधर चेक करते हैं r की बीमा क्या है, l, rho की बीमा क्या है डेंसिटी की, m l माइनस 3, और g की बीमा क्या है l t माइनस 2, ठीक है, अपॉन में चलते हैं, s की बीमा क्या आई थी m t माइनस 2, अब कैंसिल आउट करना है, m से m कैंसिल आउट, t माइनस 2 से t माइनस 2, तो क्या बचा भाई, l इंटू l की पावर माइनस 3 इंटू l, देखो भाई यहां पर l की पावर 1 है, यहां पर l 1 है, तो 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 1, तो 1 माइनस 3 के माइनस 2, माइनस 2 और 1 माइनस 1, तो क्या आ रहा है इधर, l की जो डायमेंशन आ रही है निकल के वो आ रही है l की पावर माइनस 1, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, अतः दी गई समीकरण असत्य है, डायमेंशनली इनकरेक्ट, समझ रहे हैं बात को, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इसमें हमने जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो विमीय विश्लेषण है, मैं आपको एक बार फिर से जो है आपको इसका आइडिया देता हूं कि हम डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस से पहले हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या फिर इसके अंदर ही बोल लो विमीय विश्लेषण, क्या बोलते हैं इसे, विमीय विश्लेषण। तो विमीय विश्लेषण आपका इस चैप्टर का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रा एवं मापन, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर साल जो है पूछा ही जाता है, और ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। विमीय विश्लेषण में हमने ये देखना है कि किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, यानी कि अभी जो हमने करा सत्यता की जांच वो करनी है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स मतलब मात्रकों का रूपांतरण, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि हमने अभी तक करा नहीं है, और डेरिवेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, विभिन्न जो भौतिक राशियों के बीच में जो हमने व्युत्पन्न करी है उनके बीच के रिलेशन देख करके वो भी हमने करा है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये वाला पार्ट है ना, तो एक ये वाला पार्ट है, टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ये भी हमने कर लिया। आज की क्लास में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी कर लिया, ठीक है, और सॉरी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करेंगे। इसी के अंदर जो है हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन भी मैंने आपको आज करवा दिए। तो बेसिकली ये वाला टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वो हमने कर दिए हैं, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको इस टॉपिक की जो है प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको बताई गई वो आपको समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने ध्यान से सुना होगा। मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीजों को एक बार घर में रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।